कल जीत मिली और आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। शाम करीब 4:15 बजे हेमंत सोरेन विधायकों की समर्थन वाली चिट्ठी लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर राज्यपाल को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब 28 नवंबर को हेमंत फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि हेमंत सोरेन सरकार में कौन कौन मंत्री होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। और अब चर्चा है कि हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम के 6, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी का 1 मंत्री शपथ ले सकता है। बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त आंधी रही और गठबंधन 56 सीट जीतने में सफल रहा। ये झारखंड में पहली बार है जब किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है।